नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बर्नर में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आज राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज से ही आप अच्छी मेहनत करने लग जाए, क्योंकि इस समय बहुत ही कम बचा है और अभी सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बिना किसी प्रकार की फालतू बात किए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और आकृति के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की स्थिति एक तो विश्व के अनुसार हमारे एग्जाम में आ सकती है राजस्थान पुलिस के अंदर, और एक और ये भारत के अनुसार हम देखें तो उसके हिसाब से आ सकती है। तो हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति जैसे क्या होता है। हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, तो एक तो अक्षांशों के अनुसार विश्व के अंदर देखे तो अक्षांशों के अनुसार और देशांतरों के अनुसार, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षांशों के अनुसार। तो राजस्थान ये हो गया अपना ग्लोब। ये हो गया अपना ग्लोब और ये हो गई अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं इसको, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, और अपना राजस्थान स्थित है यहाँ। ये हो गया अक्षांश के अनुसार तो कि उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। और अब बात करते हैं देशांतरों के अनुसार। ये हो गई 0 डिग्री, इसको देशांतरीय रेखा भी बोलते हैं, देशांतरीय रेखा या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध, राजस्थान में स्थित है यहाँ, मतलब पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशों और देशांतरों के अनुसार राजस्थान की टोटल स्थिति होती है 100 अनुसार राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश और देशांतरों के अनुसार देखे तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है ये राजस्थान, यहाँ ये पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की भारत के अनुसार, भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है। दूसरा आता है भारत के अनुसार, भारत के अनुसार हम देख ले, ये हो गया अपना भारत, तो यहाँ स्थित है अपना राजस्थान।
टेम्परेचर इज टू लो। यह उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व ये आ गया अपना राजस्थान। तो राजस्थान की स्थिति है भारत के अनुसार उत्तरी पश्चिम। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान के विस्तार की सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांशों और देशांतरों के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशों के अनुसार। ये हो गया अपना राजस्थान। राजस्थान के अंदर अक्षांश रेखा गुजरती है अपने दक्षिण बोरकुंड ग्राम नीचे से तो होती है बोरकुंड ग्राम बांसवाड़ा से दक्षिण से बोरकुंड ग्राम बांसवाड़ा। तो कितने डिग्री पर होती है यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट। अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर यहाँ गुजरती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और ये कहाँ वो कोणा गांव श्री गंगानगर वहां तक। पूर्ण गांव श्रीगंगानगर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है तो निम्नतम बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जो 23 डिग्री 3 मिनट पे बसा हुआ है। और सबसे उच्चतम बिंदु पूछ ले तो वो है पूर्ण गांव श्रीगंगानगर जो कि गंगानगर में स्थित है 30 डिग्री 12 मिनट में। तो बात कर लेते हैं अक्षांशों के अनुसार। तो अक्षांश रेखा हुई है अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और स्थान की बात कर ले तो स्थान हो जाता है बोरकुंड ग्राम। बोरकुंड ग्राम से कोणा गांव। जिले की बात कर ले तो जिला हो जाता है बांसवाड़ा से श्री गंगानगर। हो गया श्री गंगानगर। और कुल दिशा दूरी, दिशा दूरी की बात कर ले तो दिशा हो जाती है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर कुल लंबाई। लंबाई की बात कर ले तो हो जाती है 826 किलोमीटर। अब आपको नोट लगा के ये डालना है। नोट राजस्थान के अंदर अक्षांशों का कुल विस्तार कितना है। अक्षांश रेखा का विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार उसके बाद हम बात कर ले हम तो राजस्थान से गुजरती है यहां से डूंगरपुर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से 23 साढ़े 23 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है उसकी राजस्थान में टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। कर्क
रेखा के कारण ही राजस्थान के अंदर जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा है, वो क्योंकि सूर्य किरण जून माह के अंदर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है, और 21 जून जो होता है, 21 जून के दिन सबसे अधिक तिरछी इसी दिन होती है सूर्य की किरण, इस कर्क रेखा कारण। तो उस दिन को हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन को राजस्थान का और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि दिन 13 घंटे और 27 मिनट का होता है। घंटे और 27 दिन का माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर की विस्तार की। तो राजस्थान में देशांतरों का विस्तार है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ है कटरा गांव, जैसलमेर से 18 गांव, जिस समय से सैलाना गांव धौलपुर तक, तो कटरा गांव कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर पर स्थित है। और सैलाना गांव की बात करें तो ये स्थित है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यह बात कर लेते हैं कि कटरा गांव से सिलाना गांव के बीच की दूरी कितनी है टोटल, तो ये हो गए 869 किलोमीटर, यानी पश्चिम से पूर्व तक राजस्थान की टोटल लंबाई है 78, लंबाई है 869 किलोमीटर। तो यह बात तो आपको समझ में आ ही गई अभी। अब इसको लिख लेते हैं, ये हो गया देशांतरी विस्तार। कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। स्थान की बात कर लेते हैं, स्थान हो गया कटरा गांव से सिलाना गांव, ये स्थान है। जिले की बात कर लें तो जिला है जैसलमेर से धौलपुर। दिशा की बात कर लें तो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। और कुल लंबाई की बात कर लें, लंबाई है 870 किलोमीटर। तो विस्तार की बात कर रहे, कुल राजस्थान के अंदर देशांतरी विस्तार कितना है? तो विस्तार है उसका 8 मिनट 47 डिग्री। पूर्वी एक देशांतर, ये टोटल इसका विस्तार है। अब हम बात कर लेते हैं एक देशांतर को दूसरे देशांतर में प्रवेश करने में कितना टाइम लगता है। उसके अंदर एक देशांतर से दूसरे देशांतर, देशांतर परिवर्तित होने में कुल कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा।